हेलो स्टूडेंट्स, एपीसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन में हमको एफएस की इक्वेशंस निकालनी है, जिसमें हमारा एफटी फंक्शन दे रखा है। जिसमें हमको एफटी फंक्शन दे रखा है जीरो, ये हमारा कब होगा? जब टी की वैल्यू हमारी जीरो से कम होगी। और एफटी इक्वल वन होगा जब हमारी टी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी। जिसमें हम स्टेप फंक्शन को हम यूनिट फंक्शन भी बोलते हैं। यूटी इक्वल वन एफटी में देखें, जैसे कि मैंने बताया एफटी की वैल्यू हमारी जीरो होगी कब? एट द गिवन कंडीशन टी इज स्मॉलर देन जीरो एंड एफटी इक्वल वन व्हेन टी यूनिट इज ग्रेटर देन जीरो। फॉर्मूला हमारा होता है एफ एस इक्वल लाप्लास एफ टी, देखिए जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी की वैल्यू हम वन रखेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी मल्टीप्लीकेशन वन डी टी। e टू द माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट रखें जीरो टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट रखेंगे माइनस वन अपॉन एस, बाहर कॉमन आएगा ई टू डी पावर इन्फिनिटी माइनस ई टू डी पावर जीरो माइनस वन अपॉन ई टू डी पावर इन्फिनिटी ओवर जीरो माइनस वन इक्वल वन अपॉन एस। तो हमने लाप्लास निकाला यू टी फंक्शन का, या फिर हम ये भी बोलते हैं लाप्लास हमने निकाला वन का, वो आया हमारा वन अपॉन एस। ये हमारा कहलाता है स्टेप फंक्शन। थैंक यू।